पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के दो नामवर अदाकार शादी के बंधन में बंध गए। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में मरकजी किरदार अदा करने वाले शाहमीर सिकंदर और शिब्रा की जोड़ी ने जहां अवाम के दिलों में नकूस छोड़े, तो वहीं इन दोनों की खुफिया शादी की खबरों ने सबको हैरान कर दिया। एक यूट्यूबर ने यह खबर अपने चैनल पर ब्रेक की कि मशहूर ड्रामा इश्क मुर्शद की मकबूल जोड़ी ने निकाह कर लिया है। इन दोनों की शादी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। खातिनों हजरात, यूट्यूबर मारिया अली ने दावा किया है कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की जोड़ी बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशा सलीम ने काफी अरसे से खुफिया निकाह कर रखा है। उसके साथ साथ यूट्यूबर मारिया अली ने अपने चैनल पर बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशा सलीम की निजी जिंदगी से मुतल्लिक तहलका खेज इनकशाफात भी कर दिए। यूट्यूबर ने कहा कि दोनों ने अपने कैरियर की वजह से अपने निकाह को दुनिया से खुफिया रखा हुआ है। मारिया अली ने कहा कि सब ने देखा है कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की आखिरी किश्त के प्रीमियर पर बिलाल अब्बास ने एक लम्हे के लिए वे दुर्रे फिशा को तन्हा नहीं छोड़ा। दोनों ने एक हकीकी जोड़ी की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा। उन्होंने ये भी कहा कि इश्क मुर्शद की आखिरी किश्त के प्रीमियर पर दोनों ही अदाकार 3 घंटे ताखीर से आए थे। इसके अलावा ड्रामे के सेट पर भी दोनों साथ ही आते थे, इकट्ठे खाना खाते और शूटिंग के दौरान भी ज्यादा वक्त एक साथ ही गुजारते थे। यूट्यूबर मारिया अली ने यह भी कहा कि हाल ही में दुर्रे फिशा सलीम ने भी इसी दौरान उमरे की सआदत हासिल की, जिस वक्त बिलाल अब्बास भी उमरे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। उनका कहना था कि बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशा सलीम ने एक साथ उमरे की सआदत हासिल की, लेकिन मद्दाहों को बज़ाहिर यही दिखाया गया कि दोनों अलग अलग उमरा करने गए हैं। यूट्यूबर ने अपनी वीडियो में दुर्रे फिशा सलीम के साबिक दोस्त अदाकार उमर शहजाद के बारे में भी बात की। उनके मुताबिक उमर शहजाद ने एक शो तमाशा घर में इंकशाफ किया था कि वो और दुर्रे फिशा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और दोनों शादी भी करने वाले थे। उमर शहजाद का कहना था कि वो और दुर्रे फिशा एक ही बिल्डिंग में मुकीम थे, दोनों के दरमियान सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब अदाकारा का ड्रामा कैसी तेरी खुद गर्जी हिट हुआ था तो अदाकारा के बर्ताव में तब्दीली आने लगी। अदाकार के मुताबिक जब वो शहर से बाहर गए तो उनकी गैर मौजूदगी में अदाकार बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशा सलीम से मिलने के लिए आया करते थे, और जब उमर शहजाद ने दुर्रे फिशा से बिलाल अब्बास से मुतल्लिक शिकवा किया तो अदाकारा ने कहा कि वो सिर्फ दोस्त की हैसियत से आते हैं। मारिया अली ने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि किस तरह दुर्रे फिशा सलीम ने उमर शहजाद से ब्रेकअप किया और फिर बिलाल अब्बास के साथ उनकी गहरी दोस्ती सामने आई। यूट्यूबर के इनकशाफात पर मद्दाहों का कहना है कि अगर बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशा सलीम ने खुफिया तौर पर शादी कर ली है तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि मद्दाह भी दोनों को हकीकी जिंदगी में एक साथ देखने के ख्वाहिशमंद हैं। मद्दाहों ने यह भी कहा कि दुर्रे फिशा सलीम और बिलाल अब्बास की जानिब से निकाह के बाज़ाब्ता ऐलान का इंतजार करेंगे।